हेलो व्यूअर, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं विकास कुमार सिंह टेक एड चैनल। आज के इस सेशन में हम रिव्यू करेंगे एप्पल के आईफोन 16 का, जो कि अभी से दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और कुछ दिनों में वो बिकना भी शुरू हो जाएगा। तो हम चलते हैं एप्पल के साइट पे और फोन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या विशेष चीजें हैं। तो मैंने अपना गूगल अकाउंट पे लॉगिन कर लिया है और यहां पे मैं लिखता हूं एप्पल। अगर मैं एप्पल इंडिया लिखता हूं तो एप्पल का वेबसाइट खुल जाता है और वेबसाइट खुलते ही देखिए हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही दिखाया जाता है, वो भी इंट्रोडक्शन एप्पल का आईफोन 16 और 16 प्रो के बारे में दिया हुआ है, जो बताते हैं कि उन्होंने इसमें एप्पल इंटेलिजेंस को इनहेंस किया है। और इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि एप्पल आईफोन 16 के बारे में, ये एप्पल के इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं और थोड़ा सा जो हम सभी के लिए जानने के लिए जानकारी ये बहुत ज़रूरी है वो ये कि 13 तारीख से हम लोग इसका प्री ऑर्डर कर सकते हैं और 20 तारीख से ये पूरे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा हमारे इंडिया में बिकने के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग फटाफट देखते हैं। आईफोन 16 है सभी के लिए, वही चीज़ें हैं, 13 तारीख से, 13 सितंबर से हम लोग प्री ऑर्डर कर सकते हैं 13 से 20 तक, और 20 से हमें मिल जाएगा वो फ़ोन, पूरे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एप्पल के वॉच वगैरह के बारे में दिखा रहे हैं, वॉच वगैरह नहीं देखना है, एयरपॉड्स वगैरह के बारे में नहीं, हम आईफोन 16 के बारे में, मैं लिंक देख लूँ कि कहाँ है आईफोन 16 के बारे में, जो कि हमें उनके सारे फीचर के बारे में देखने के लिए मिल जाए। ठीक, आईफोन 16 ये रहा। iPhone 16 पे ही हम क्लिक करते हैं और iPhone 16 के बारे में फटाफट देखते हैं कि देखिए ये दो कलर, तीन कलर, ये पहला वीडियो है जो कि इस तरह से दिखाया गया है कि Apple के बारे में। और लोड होने में टाइम तो नहीं लग रहा है, नहीं ठीक है, ये फ़ोन है और फ़ोन के बारे में करीब 5 कलर में फ़ोन अवेलेबल है और फ़ोन जो है 6.1 इंचेस का है। और इसके बारे में हम कहाँ पे देख सकते हैं, कहीं पे हमें ये इनके फटाफट फीचर दिखाए जा रहे हैं कि फ़ोन में क्या फीचर आया हुआ है जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकता है, आपको विजुअली एक्सप्रेस कर सकता है बहुत ही जल्दी, और सीरी में भी कुछ इन्हेंस किया गया है। ये सब जो उन्होंने फटाफट जो अट्रैक्ट करने के लिए रखा हुआ है वो है। साथ में इन्होंने एक ये बटन भी लॉन्च किया है फोन में, ये नया चीज हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो इन्होंने एक नया बटन इन्हेंस किया है जिसको ये लोग कहते हैं कैमरा कंट्रोल। इस कैमरा कंट्रोल के थ्रू हम लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली हम लोग कैमरा टूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम और देखेंगे, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कहीं पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये साथ में ये बता रहे हैं कि अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है इसमें जिससे हम टाइनी थिंग्स का भी फोटो वगैरह ले सकते हैं। ऑडियो के फीचर वगैरह दिख रहे हैं, कहाँ है टेक्निकल, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ पे है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम आ जाते हैं इस जगह पे। तो आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस दोनों ही एक साथ लॉन्च हुआ है और हमें, मुझे लगता है कि रिव्यू भी एक साथ ही करना पड़ेगा, फिर भी हम आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस एक साथ करने का कोशिश करते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो में आईफोन 16 को ज़्यादा कवर करने का कोशिश करूँगा। तो देखिए ये 5 कलर में अवेलेबल है, जो पहला कलर है ब्लैक, वाइट, पिंक, टील और अल्ट्रा मराइन। साथ में ये बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम डिज़ाइन है,
जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि बैक और फ्रंट दोनों ही ग्लास है, लेकिन साइड में एल्युमिनियम डिजाइन। तो दोनों का वही चीज है। इसकी कैपेसिटी के बारे में जान लेते हैं। फोन अवेलेबल होगा 128GB, 256GB और 512GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। ये चीजें ठीक है। साथ में इनके साइज और वेट के बारे में बता देते हैं। साइज जैसे कि मुझे पहले से पता है, ये 6.1 इंचेस का डायगनली है और इसका वेट 170 ग्राम है एप्पल आईफोन 16 का। और ये आईफोन 16 प्लस का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 199 ग्राम है। कोई बात नहीं, डिस्प्ले मैं यही बात कर रहा था कि एप्पल आईफोन 16 का डिस्प्ले जो है 6.1 इंचेस का है। हमारा अधिकतर फोन का डिस्प्ले जो होता है अभी जो है वो 5.6 5.7 के आसपास ही जाता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा डिस्प्ले बड़ा किया है, 6.1 इंचेस का है। साथ में आपको बता दें कि इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज किया है ओलेड। ओलेड पहले से भी एप्पल यूज कर रहा था, XDR डिस्प्ले है। और इसमें खासियत यह है कि ये पिक्सल बनाता है 2556x1179 पिक्सल। सो हम ये मान सकते हैं कि ये टॉप से बॉटम तक यहाँ पे 2556 पिक्सल बना रहा है और लेफ्ट से राइट 1179 पिक्सल बना रहा है। साथ में ये बोल रहा है कि एक इंचेस में 460 पिक्सल बना रहा है। ठीक, चाहे वो लेंथ ब्रेथ दोनों को मिला करके हम देख लें तो एक इंचेस में 460 पिक्सल बनाता है ये। दोनों का डिस्प्ले वही है, लेकिन डिस्प्ले इसका बड़ा है 6.7, और भी ज़्यादा बड़ा है, हाथों में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन 16 पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोनों ही मॉडल के बारे में ये बताते हैं कि डायनामिक आईलैंड HDR डिस्प्ले, इतना ज़्यादा हमें समझने का जरूरत भी नहीं है, उतना ज़्यादा हमें समझ भी नहीं आता है। मैक्सिमम ब्राइटनेस 1000 nits, फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंस, ये सब हर फोन में खासियत है। वही साथ में इसका IP रेटिंग देखते हैं। इसका IP रेटिंग IP68 रखा गया है, जो कि स्प्लैश वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस है। साथ में ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि 6 मीटर तक 30 मिनट तक फोन जो है वाटर में वाटर प्रूफ का काम करेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। चलिए वो लिखने के लिए लिख देते हैं, लेकिन कोई ये टेस्ट नहीं कर सकता है। साथ में इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने इन्हेंस किया है एप्पल इंटेलिजेंस AI, जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्होंने इन्हेंस किया है इस फोन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मात्रा में दिखाया गया है कि थोड़ा सा यूजेबिलिटी इसका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही हम जानते हैं फ़ोन में जो चिप यूज़ किया गया है, चिप A18 यूज़ किया गया है, और आईफोन 16 में 5-कोर GPU यूज़ किया गया है और 16 प्लस में 6-कोर। कैमरा के बारे में देख लेते हैं। कैमरा इस फोन में दो कैमरा है, प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल का, जिसको हम अल्ट्रा वाइड कैमरा बोलते हैं, वो यहाँ पे है। और बहुत सारे चीज़ कैमरा में दिए गए हैं, इन्होंने लिखा बहुत ज़्यादा है। जूम अप टू 10x है हमारे किस में, इस अल्ट्रा वाइड कैमरा में, और बहुत ज़्यादा फीचर है जो कि कैमरा में ऐसे पढ़ के बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी छोटा सा नज़र डालते हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा चीज़ लिखा है कि हम कैमरे के बारे में समझ भी नहीं सकते हैं, जान भी नहीं सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं, समझा भी नहीं सकते हैं। जब यूज़ करेंगे तभी हमें इतने ज़्यादा चीज़ पता चलेगा। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि फ़ोन में दो कैमरा है, प्राइमरी 48 और सेकेंडरी जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वाइड, वो 12 मेगापिक्सल का है। वीडियो रिकॉर्डिंग के तरफ ध्यान दें तो 4K डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्ड हम कर सकते हैं 24, 25, 30 और 60 FPS पे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में एप्पल ने बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। हम 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं इससे, जो मैक्सिमम है। बाकी वो हमारे सेटिंग के ऊपर में है कि हम कैसा रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बाकी फ़ोन में जो देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग में सिनेमेटिक मोड वगैरह सब कुछ दिया गया है,
कैमरे में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। कैमरा खैर पहले के फोन के मुकाबले में इनका कैमरा भी हाई है, कैमरे में भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ इंक्लूड किया गया है, एक्शन मोड, स्लो मोशन पहले भी था लेकिन और भी, ये इतने ज़्यादा चीज़ हैं कि इसको पढ़ के बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम फटाफट इसको स्किप करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब ये बात करते हैं ट्रू डेप्थ कैमरा, 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है अल्ट्रा वाइड, उसमें भी ये बोलते हैं ऑटो फोकस वगैरह, डीप फ्यूजन, HDR 5, नाइट मोड, उससे भी हम 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं मैक्सिमम। स्लो मोशन वगैरह तो खैर ना, सिनेमेटिक वीडियो हर मोड दिया हुआ है। और साथ में ये यही बताते हैं कि 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो ही फेस आईडी डिटेक्ट करता है, ट्रू डेप्थ कैमरा यही यूज होता है। तो पीस ऑफ माइंड, इमरजेंसी सोर्स इसका जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी जान लीजिए। टेक्नोलॉजी ये बताते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी ये यूज करते ही है, ये जिस जिस रीजन में निकला है उसके बैंड दिए गए हैं, ये भी उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। बस हमें ये समझना है कि फ़ोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, जो हाईएस्ट है अभी तक का वो सपोर्ट करता है। लोकेशन वगैरह भी हम उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि हमारा ठीक है, GPS वगैरह है, इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बस GPS ही यूज़ करते हैं। वीडियो कॉलिंग के बारे में थोड़ा सा ये चीज देख लेते हैं, फेस टाइम वीडियो कॉलिंग ओवर सेलुलर वाईफाई, सो फेस टाइम 1080p पे ये 5G में वीडियो कॉलिंग कर सकता है, 1080p पे वीडियो कॉलिंग कर सकता है, ये चीज देखने के लायक है यहाँ पे। ऑडियो कॉलिंग में वॉइस ओवर LTE ये सभी में रहता है और लगभग समान ही रहता है, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियो प्लेबैक के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि ये जरूरी है। ये कहते हैं कि आप MP3 सपोर्ट करेगा, APEX सपोर्ट करेगा, AAC सपोर्ट करेगा, एप्पल का अपना ये चीज़ एप्पल लूजलेस फाइल टाइप वो सपोर्ट करेगा, ये सारे चीज़ ये सपोर्ट करेंगे। खैर हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है MP3 का क्योंकि अधिकतर चीज़ हमें MP3 में ही मिलता है। वीडियो प्लेबैक के बारे में ये कहते हैं कि H264 जो कि हमारा MP4 होता है, एकदम हाई क्वालिटी का रहता है, वो साथ में ये 4K सपोर्ट कर ही रहा है, ये सारे चीज़ सपोर्ट कर रहा है। सीरी के बारे में मैं क्या बताऊंगा, सीरी में भी इन्हेंस हुआ है, जैसे जैसे फ़ोन आता है वैसे वैसे हमें जानना पड़ेगा। फ़ोन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं उसका डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन में बताया गया है कि साइड में वॉल्यूम की अप एंड डाउन रहेगा और ठीक उसके ऊपर में एक्शन बटन रहेगा। इस एक्शन बटन के माध्यम से हम कैमरे के बहुत सारे चीज़ों को, मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने नया ऐड कर दिया जो कि हमें और किसी फ़ोन में देखने के लिए नहीं मिला है। कैमरा कंट्रोल से मुझे लगता है कैमरा को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मोड यहाँ पे दिया गया है। साइड बटन है और डाउन में हमें बिल्ट इन माइक्रोफोन और बिल्ट इन स्टीरियो स्पीकर के होल्स दिए गए हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में हम कैसे जानेंगे, हम नहीं जान सकते हैं। चार्जिंग के लिए हमें बताया गया है कि USB 2.0 टाइप सी दिया गया है चार्जिंग के लिए। पावर एंड बैटरी के लिए हमें ये बताया जा रहा है, उन्होंने बैटरी नहीं बताया है कि बैटरी का क्या साइज है, कितना कैपेसिटी है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि आप उस पर वीडियो जो है 22 आवर तक देख सकते हैं, ठीक। और स्ट्रीमिंग लगभग 18 आवर तक कर सकते हैं। ऑडियो अगर प्लेबैक की बात करें तो ऑडियो प्लेबैक लगभग 80 आवर तक ये चलेगा। साथ में ये और भी बताते हैं कि ये दोनों ही मॉडल जो है आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस जो है 50% चार्ज कर देगा 30 मिनट के अंदर में अपने बैटरी को, क्योंकि उनका चार्जर जो है 20 वाट का चार्जर USB टाइप सी चार्जर है।
साथ में वो रिवर्स चार्जिंग भी करते हैं और वायरलेस चार्जिंग भी है। खैर ये सेंसर वगैरह इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, ध्यान भी नहीं देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जानने का बात है कि इन्होंने iOS 18 डाला हुआ है और अगर iOS 18 के फीचर जानने हैं तो हमें और अंदर में जाकर के देखना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी वगैरह कुछ उतना नहीं देखते हैं, एक नज़र हम देख लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी बहुत तरह का है, हमारे एंड्रॉइड के फ़ोन में भी बहुत होता है लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं वो अधिकतर यूज़ करते हैं। एक बार हम इनके ऐप को देख लेते हैं, इनका ऐप देखिए, एप्पल स्टोर, ऐप स्टोर, बुक्स, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, ये बहुत सारे ऐप हैं। हम जैसे फ़ोन जो यूज़ करते हैं वो उन्हीं के वही इस ऐप को बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं। खैर इनके चीज़ बहुत ही तगड़े हैं। सिम देखिए, इसमें डुअल सिम है, दो सिम हम यूज़ कर सकते हैं और ये हियरिंग एड कॉम्पेटेबल होगा और कुछ चीज़ों के लिए ये हमें साफ बताते हैं कि एप्पल का आईडी कुछ चीज़ों में रिक्वायर करेगा। आप साथ ही साथ ये बताते हैं कि आप मेल में बहुत सारे चीज़ें और अटैच कर सकते हो, बहुत सारे फाइल टाइप जो है JPG, TIFF, GIF, Doc, Docs, HTM, HTML, K note, number, pages, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLS, XLR, SS, GIF, ये सारे मेल में जितने भी चीज़ जरूरी हैं वो सारे फाइल टाइप को इन्होंने दे दिया है कि आप अटैच कर सकते हो। इन्वायरमेंटल के लिए ये क्या बोलते हैं कि ये ऑपरेट कर सकते हैं फ़ोन को हम लोग 0 to 35 degrees Celsius में। ठीक, हमारा रूम का टेम्परेचर 20 to 30 के बीच में रहता है, 25 के आसपास, 25-27 रहता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाता है तब बाहर वगैरह हम जाते हैं तब हमें धूप में गर्मी के समय में 41 मिलता है, तो 41 वगैरह पे ऑपरेट कर सकते हैं। 45 डिग्री से ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट में गर्मी रहा तब हम इसको नहीं यूज कर सकते। ह्यूमिडिटी में भी 5 to 95% तक नॉन कॉन्डेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी ये सपोर्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा। खैर हम लोग ये सब कुछ यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं छोटा सा चीज़, एक हिंदी और इंग्लिश। हिंदी भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, अधिकतर इंग्लिश ही यूज़ करते हैं और US का ही यूज़ करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड में करके रखा हुआ है। बॉक्स में ये कहते हैं, बॉक्स में आपको मिलेगा आईफोन मिलेगा जिसमें iOS 18 रहेगा, USB-C चार्ज केबल मिलेगा जो कि 1 meter का है और डॉक्यूमेंटेशन पेपर रहेगा। हमें इसका चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये बॉक्स में अवेलेबल नहीं रहेगा। साथ में ये बोलते हैं कि iPhone 16 और 16 प्लस जो है ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट करें। ये जितनी बार भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वो यही देखते हैं कि इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट करें और इनके सारे मटेरियल जो हैं वो ऐसे हैं कि उन्हें मेल्ट करके दोबारा अपने प्री स्टेट में लाया जा सकता है, दोबारा यूज़ किया जा सकता है। वही ये बताते हैं मटेरियल के लिए कि इनका मटेरियल 100% जो है रिसाइकल है एल्युमिनियम का और बहुत सारे चीज़ें हैं, यहाँ तक कि 100% रिसाइकल। ये अपने टाइप सी केबल वगैरह के बारे में भी बात करें, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन वेबसाइट में अगर हम आते हैं एप्पल के वेबसाइट में रिव्यू करने के लिए या किसी भी फ़ोन के पर्टिकुलर वेबसाइट में तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें दी हुई है कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, कई चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आएगी लेकिन ये चीज़ें इस तरह से दी हुई है और हम इसीलिए मैं जो है रिव्यू करने के लिए डायरेक्ट उसी जगह पे आता हूँ जहाँ का वो सोर्स है ताकि वहाँ पे हमें एटलीस्ट अधिकतर चीज़ें देखने को मिल जाए। जो चीज़ मैं नहीं बता पा रहा हूँ आप इस तरह से वीडियो भी स्क्रॉल होता है तो उस हिसाब से आप भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ है,
कई चीज़ें तो देखिए मुझे इसमें पता भी नहीं है, और कई चीज़ें लोगों को भी बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है। तो बेहतर है कि हम कोई भी फ़ोन का रिव्यू करें तो यहीं पे उसके एक्चुअल साइट में आके करें, वहाँ पे हमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ पता चलता है जो कि दूसरे यूज़र हमें नहीं बता पाते हैं, वो यहाँ पे ही पता चलता है कि इतना ज़्यादा चीज़ है। अब जैसे मैं मैगसेफ के बारे में ही बोलूँ तो ये भी चीज़ मेरे लिए नया टर्म है। मैगसेफ ये बताते हैं कि ये वायरलेस चार्जिंग है अप टू 25 वाट और 30 वाट एडेप्टर के साथ। इस चीज़ों को इन्होंने मैगसेफ कैटेगरी में रखा है। साथ में ये कहते हैं कि मैग्नेट एरे है, अलाइनमेंट मैग्नेट है, जिसके थ्रू ये फोन को वायरलेसली चार्ज कर देते हैं। तो टेक्निकल टर्म थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा सभी फोन का, तभी हम जान पाएंगे। खैर, डिस्प्ले हमने यहाँ पे बहुत अच्छा कवर किया है, और ऊपर में चले जाते हैं और इसके प्राइसिंग के बारे में जानते हैं, इसका प्राइस क्या पड़ेगा। तो इसका प्राइस देखिए, इसका प्राइस जो है यहाँ पे आ गया है आईफोन 16 का। आईफोन देखिए 16 का प्राइस, 6.1 इंच का प्राइस जो है 79,900 पड़ेगा। ईएमआई पे वगैरह लेते हैं तो 12,483 पर मंथ लगेगा। साथ में यहाँ पे एक स्टार भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस यही है। आईफोन 16 प्लस का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 89,900। एप्पल ने जितने भी फोन अपने लॉन्च किए हुए हैं उनसे प्राइस कम रखा है, ठीक है। आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस में 10,000 का ही डिफरेंस है। जहां तक मुझे लगता है लोग आईफोन 16 प्लस ही लेंगे, वो ज़्यादा बड़ा भी है। 10,000 से जो लोग 79,000-80,000 के आसपास पैसा खर्च सकते हैं, वो 90,000 भी खर्च कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आईफोन 16 प्लस ज़्यादा बिकेगा। ठीक, आज के सेशन में हम इतना ही जानते हैं, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए सेशन में, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।